देखिए, क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर जो है एक सर्किल बना हुआ है, और वो जो सर्किल है वो उस पैरेललोग्राम की अगर चारों की चारों साइड्स को टच करता है, ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम वो बना हुआ है वो एक रोम्बस भी है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, यानी हमें जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है, ठीक। अब देखिए, जो पैरेललोग्राम होता है वो रोम्बस से बस इतना अलग होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, और जो रोम्बस होता है उसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बाकी हर वो प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में होती है वो रोम्बस में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस भी है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहली बात, हमें जो क्वेश्चन में गिवन था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगी, और बी सी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगी। हमें जो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो ये चीज़ का प्रूफ हो जाएगी जब हमारे पास जो है चारों की चारों साइड्स की लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए, चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और जब इसके प्रूफ में हम चलेंगे तो सबसे पहले जो इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो है कोई भी लाइन जो है किसी सर्किल को टच करती है, तो जिस पॉइंट पर टच करती है उनको कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो मैं इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को पी मान रहा हूँ, इसको क्यू और इसको आर और इसको एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये मालूम है कि अगर किसी सर्किल पर, किसी भी सर्किल पर कोई सर्किल है हमारे पास, और उस सर्किल पर बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल पर खींची गई जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4.A के लिए, उससे भी पहले आप यहाँ पर ये लिखें दोबारा से कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इट मीन्स जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान सकते हैं, और जो बी सी होगा वो ए डी के इक्वल या डी ए के इक्वल होगा, जो बी सी होगा वो डी ए के इक्वल होगा, इक्वेशन हमने इसको टू ले लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ए के लिए बात करेंगे, तो 4.A, अगर हम ए पॉइंट के लिए बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि जो ए पी होगी और जो ए एस होगी वो इक्वल होगी, तो जो ए पी होगी वो ए एस के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स हैं, ठीक है। बाहर का एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट खींची गई, तो दोनों की दोनों इक्वल होंगी, इसे हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 4.B के लिए, तो अगर हम बात करते हैं B के लिए, तो BP और BQ भी इस तरीके से इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन हमारे पास 4 आ चुकी है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4.C के लिए, अगर C पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि दो टेंजेंट्स यानी कि सी आर और सी क्यू भी आपस में इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक। इसी तरीके से अगर हम डी पॉइंट के लिए बात करें, तो 4.D, अब डी पॉइंट के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि डी आर और डी एस भी आपस में इक्वल होंगी, डी आर इक्वल होगी किसके, डी एस के, इक्वेशन हमारे पास ये 5 आ चुकी है और ये 6 आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन, तो जब इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
और प्लस डी एस, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो एल एच एस पोर्शन को एल एच एस पोर्शन में और आर एच एस पोर्शन को आर एच एस पोर्शन में, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखें कि ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिलकर क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर और प्लस डी आर मिलकर क्या बना रहा है, सी डी बना रहा है, ठीक है। इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस इन दोनों को अगर हम आसपास में लिखते हैं तो ए एस प्लस डी एस, चलिए इसको एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, ए एस प्लस डी एस और प्लस ए एस प्लस डी एस हमने साथ में लिख लिया और बी क्यू प्लस सी क्यू को हमने इसके बाद लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ए बी प्लस सी डी ऐसे ही रहा और यहाँ पर ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस कितना मिलके बना लेगा, डी ए बना लेगा या ए डी, ठीक है। अब बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना लेगा, बी सी बना लेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए हमारा जो है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू डी ए प्लस बी सी आ चुका है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें आप, ए बी को तो आप ऐसे ही रखें यहाँ पर ए बी प्लस, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लें, यहाँ पर लिख लें आप फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। हम यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन से और काम करेंगे, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो जहाँ पर ए बी लिखा हुआ वहाँ पर हम सी डी रख सकते हैं, या कहीं पर सी डी लिखा हुआ तो वहाँ पर हम ए बी रख सकते हैं, और अगर कहीं पर डी ए लिखा हुआ तो वहाँ पर बी सी अगर हमें रखना है तो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप ए बी को आप यहाँ पर ऐसे ही रखें, ए बी को आपने ऐसे ही यहाँ पर रखा, प्लस जो सी डी था, जो सी डी था वो ए बी के इक्वल था, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जहाँ पर सी डी लिखा हुआ वहाँ पर हम ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी ए, जो डी ए था वो बी सी के इक्वल था, तो हमने क्या कर लिया, डी ए की जगह बी सी रख लेंगे यहाँ पर, और ये पहले से ही बी सी हमें यहाँ पर गिवन था। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, और बी सी प्लस टू बी सी, बी सी प्लस बी सी टू बी सी हो जाएगा, टू से टू खत्म हो जाएगा, हमने देखा ए बी प्लस बी सी आ चुका है। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि ए बी सी डी के इक्वल थी, और हमने यहाँ पर देखा कि ए बी बी सी के इक्वल हो रहा चुकी है, ए बी बी सी के इक्वल हो रहा चुकी है, तो इट मीन्स जो है जब ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में तीनों तो इक्वल हो ही गए हैं, ठीक है। और दूसरा, जब ये इसके इक्वल थी, ठीक है, तो इसके इक्वल ये भी है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहली दूसरी और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ठीक है। और जब ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक। ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी।